वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम श्रेया। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा रोज़ का प्लांट है। तो अब से मैं जैसे जैसे इसमें ग्रोथ होगी वैसे मैं आपको दिखाने वाली हूँ। ये आप देख सकते हैं कि इसमें न्यू लीव्स निकल गई हैं, देख सकते हैं। तो ये यहाँ से जो ये दिख रहा है आपको, ये ब्रांच दिख रहा है, तो इससे मैं कट करूँगी यहाँ नीचे लीफ के ऊपर से, जिससे इसमें से जब ब्रांचेस निकलेंगी तो वो थोड़ा पेड़ को अच्छा कर देंगी, क्योंकि अभी इतना लंबा है तो यहाँ से निकलेगा तो ये खाली खाली पोर्शन हो जाएगा। और इसे भी कट कर दूंगी। तो आप ये देख सकते हैं मैं कैसे कट करूँगी। यहाँ पे ये लीफ के मैं ऊपर से कट करने वाली हूँ। आपको किसी शार्प उससे ही करना होगा, तो ऐसे ऐसे करके मैं इसे कट करने वाली हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हैं मैंने ये दो डंडियों को मैंने अलग कर दिया है, ये देखिए। तो ऐसे ही हम जो है कट करके उसको और घना कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब आप ये देख सकते हैं ये और अच्छा लग रहा है। अब जब इसमें ब्रांचेस नीचे से निकलेंगी तो और ये बुशी होगा, तो मैं आपको दिखाऊंगी। देख सकते हैं जब मैंने आपको ये दिखाया था तो ये कैसे था। अब ये देखिए, जो मैंने ब्रांचेस नीचे से काटी थी उसमें से भी पत्तियाँ निकलने लगी हैं, ये दिख सकता है आपको। और ये देखिए, ये सब निकल गई हैं और ये पत्तियां हैं, इसमें सब पत्तियां ये देखिए निकलती जा रही हैं। और अब आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखिए, ये इसकी बड्स, ये कली निकल गई है इसकी, और इसमें ये पिंक कलर का है, बहुत ही ब्यूटीफुल पिंक है, और ये खिल रहा है। और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है कि ये जो है अब खिल रहा है इसमें, और बहुत ही ज़्यादा बहुत 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 ही ज़्यादा हैप्पीनेस हो रही है मुझे, क्योंकि ये आपको मैंने दिखाया था कि ये मतलब कैसा था ये। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी अगर जैसे इसमें रोज़ में नीचे से अगर निकल रहा है ब्रांच, तो उसे आप कट कर दीजिए, क्योंकि वो जंगली होता है। और हम देखिए, जब मैंने इसको कट किया तो इसकी आप ग्रोथ देख सकते हैं, ये अच्छा खासा बड़ा हो गया है और इसमें कली भी निकल गई है, और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। तो इसकी ग्रोथ को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें एक पावर बूस्टर डालने वाली हूँ, वो जो कि ये है चाय पत्ती का पानी, जिसे जो चाय पत्ती हम यूज़ कर लेते हैं ये यूज़ किया हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि जो आप चाय बनाते हो और उसी को तुरंत धोया और पेड़ में डाल दिया, ऐसा नहीं है। उसे आपको अच्छे से, उसमें जो भी मिल्क प्रोडक्ट होता है, चीनी होती है, सब अच्छे से धो वो के फिर उसके बाद उसको आपको सुखाना पड़ता है। पाउडर फॉर्म में हो रहा था, मैंने दिखाया भी होगा अपने किसी वीडियो में, और नहीं होगा दिखाया होगा तो मैं फिर दिखा दूंगी। तो उसे मैंने इसको सोक किया है 24 घंटे से ज़्यादा मैंने सोक किया। इसका आप कलर देख सकते हैं, ये पानी की तरह नहीं है, इसका कलर अच्छा खासा येलो येलो हो गया है, डार्क भी हो गया है। तो मैं इसे जो है अब डाल दूंगी इसमें, देखिए मैंने अभी पानी नहीं डाला है, मैं इसे ही डालूंगी। और मैंने ये एक डिब्बा जो है वो देखिए डाल दिया है, और इसे अच्छा खासा पोषण मिल गया है। ये बहुत ही ज़्यादा, जो रोज़ प्लांट होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप देख सकते हैं ये मेरा प्लांट है, इसमें कली भी निकल गई है। ये बिल्कुल भी, मैंने जब स्टार्टिंग से दिखाया होगा तो इसमें बिल्कुल भी कुछ भी कली वली नहीं निकली थी। अब देखिए नई नई पत्तियाँ वत्तियाँ भी निकल गई हैं, और इसकी ऐसे आप मतलब ये नहीं है कि आप बस अगर किसी पेड़ को देख रहे हैं तो उसे बस ऐसे ही बस पाल रहे हैं, उसमें खाद भी आप डालते रहिए। गर्मी है तो गोबर खाद नहीं डाल सकते हैं, तो ये मैं लिक्विड मैन्यूर डाल रही हूँ। फिर उसके बाद इसमें अगर कोई भी अगर इन्फेक्शन है, कीड़े हैं जो भी हैं, तो उसके लिए नीम ऑयल का छिड़काव करिए। मैं उस करूँगी, वो मैं ऐसा करती भी हूँ और करूँगी भी। तो और जो भी इसमें ग्रोथ होगी, जब फ्लावर और बड़ा होगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। तो आप ये देख सकते हैं मेरे गुलाब के पौधे में फ्लावर निकल गया है, थोड़ा पहले ही निकल गया था बट मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। ये थोड़ा सा देखिए मुरझाने भी लगा है, बट बहुत ही प्यारा और एकदम ब्यूटीफुल कलर है। ये थोड़ा सा वाइटिश और पिंकिश में है, बहुत ही, ये मतलब थोड़ा छोटा ही है, लेकिन क्योंकि इसलिए छोटा है क्योंकि ये अभी थोड़ा मतलब समर है और ये जो है विंटर का मतलब है, मतलब देसी नहीं है ये, तो ये मतलब अभी, लेकिन फिर भी मैंने इसकी प्रूनिंग की थी तो फिर इसमें बड्स निकला, फिर ये फ्लावर निकला। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी, ये देखिए इसकी न्यू लीव्स निकल रही हैं, दिख रहा है कितना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर कलर है। फिर ये बड़ा होगा तो ग्रीन हो जाएगा, देखिए ये
दिख रहा है आपको। तो इसमें इसे मैंने, ये देखिए मैंने इसकी जो है ये प्रूनिंग यहाँ से मतलब मैंने कट कर दिया था, तभी ये मेरा जो पौधा है वो थोड़ा बढ़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ से भी ये इसमें से मैंने कट कर दिया था तो ये निकल रहा है अब यहाँ से। और ये देखिए इसमें से ये न्यू न्यू लीव्स निकल रही हैं। तो ये जब थोड़ी और बड़ी होंगी तो मैं इसे ऊपर ऊपर से, मतलब मैंने एक प्रूनिंग पर पूरा वीडियो बनाया है, और आपको अगर नहीं पता कि कैसे हम पेड़ों को प्रून करें तो आप देख सकते हैं। तो इसमें इसे मैं जब थोड़ी ये लीव्स और बड़ी होंगी तो मैं इसे और प्रून करूँगी। प्रून करने से ये होता है कि उसको स्पेस मिलता है और बढ़ने का, फिर उसके बाद उसमें फ्लावर निकलते हैं। वेजिटेबल का अगर कोई पौधा है तो उसमें से फ्लावर निकलते हैं जिससे वो वेजिटेबल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बारे में शुरू से लेके एंड तक सब कुछ बताया है कि कैसे इसे हम कट कर सकते हैं, इसमें कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं, इसमें कट करने से कैसे बर्ड्स आए और फिर इसमें फ्लावर आया। मैंने एकदम स्टार्टिंग से आपको एकदम दिखाया है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा ये रोज़ के बारे में तो आप ज़रूर लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हिट द बेल आइकन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।